नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द क्वांटिटी क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर टू सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियाई आर वन एन आर टू और हमें उनका रेशो दिया हुआ है कि आर वन इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव आर टू थ्रू वन कैलविन आर इन रेशो नाओ अगेन आपके हीट का uh, हीट का बड़ा सिंपल सवाल है इसको ऐसे देखना कि आपका जो स्फेयर है इसका ही बात अपने को पता है जो डेल्टा क्यों है उसको हम लिखते हैं एम एस डेल्टा टी नाउ दो अगर आपके स्फेयर हैं आ, अच्छा ये उल्टे हो गए एक काम करते हैं उसे छोटा ही बना लेते हैं हाँ ये आपका R2 है ये आपका R1 है इसका मास M1 है इसका मास एम टू है सो so, क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है दोनों सॉलिड हैं ठीक है तो मटेरियल दोनों का सेम है तो आपका एस से, सेम स्पेसिफिक ये आपकी हीट कैपेसिटी ये सेम सेम होएगी और डेल्टा टी भी दोनों का सेम है विच एम्पलाइज आप कह रहे हैं डेल्टा क्यू वन डिवाइड बाई डेल्टा क्यू टू जो है वो आपका एम वन एम टू का रेश हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Now, यहाँ पे दोनों का मास देखने के लिए आ, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस विल बी इक्वल टू मास जो आएगा उनका वो होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बायर का वॉल्यूम आप लिखेंगे फोर बाय थ्री पाई आर वन क्यूब उसका लिखेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय फोर बाय थ्री पाए आर वन क्यूब हालांकि सो आर टू क्यूब सो विच एम्प्लाइज ये जो रेशो आ गया ये आ गया आर वन बाय आर थ्री का क्यूब आपका डेल्टा क्यू वन और डेल्टा क्यू टू का रेशो और ये अपने को 1.5 दे रखा है 1.5 को अगर हम 3 बाई टू लिख लें सो दिस विल बी इक्वल टू 3 बाय टू का क्यूब और इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 27 बटा आठ या 27 सेवन बाई एट दैट वुड बी द राइट आंसर